इसी में वरुण भैया रोड पर साइकिल चलाते आ रहे हैं और इनके दोनों हाथ खाली हैं, पर फिर इनके हाथ में ये पानी की बोतल आ जाती है। अब ये पता नहीं कहाँ से आ गई, क्योंकि अगर ये बैग से निकालते तो बैग को आगे करके खोल कर निकालते, पर बैग तो वहीं का वहीं पीछे ही है। खैर, जैसे वो बोतल आई थी वैसे गए। अब घर आकर इन्होंने कप में दूध डाला, तो भाई ये तो दूध भी गायब हो गया ग्लास में से। नहीं नहीं, आई नो उन्होंने पी लिया था, पर इतना सा व्हाइट कतरा तो दूध का ग्लास में होना चाहिए था ना। पर ये कप तो चकाचक खाली है और एकदम साफ है। और इस सीन में एक आंटी कहती है कि इसका नाम भोला राम क्यों रखा, तो ये बंदा कहता है कि होली का दिन पैदा हुआ तो इसलिए इसका नाम भोला राम रख दिया। तो उन्होंने इसका नाम भोला राम रख दिया। अच्छा वाजी, के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। इसी में एक तो वरुण भैया लाइव मैच पर नहीं बल्कि मैच की हाइलाइट्स पर सट्टाबाजी कर रहे हैं। मतलब टीवी पर इतू सा भी कहीं लाइव लिखा नजर नहीं आ रहा, तो हाइलाइट्स ही होंगी ना। ऊपर से कहते हैं सेमीफाइनल चल। ओ भाई, पर नीचे तो फोर्थ हॉट गया पेटीएम लिखा हुआ और वरुण भैया इसे सेमीफाइनल कह रहे हैं। ये लड़की वरुण भैया को डब्बी दे, अब वरुण भैया सैंपल लेकर बड़े खुश खुश निकले, पर डब्बी तो जगह जगह खाली है। अरे बाबा, आई मीन डब्बी पूरी खाली है। यहाँ इन लोगों का मिक्सअप हो गया सब कुछ, क्योंकि इन दोनों का सरनेम बत्रा था। एक एक अल्फाबेट इम्पोर्टेंट होता है ऐसे सिचुएशन में, और इस हॉस्पिटल ने सिर्फ सरनेम पढ़ा और मैचअप बना डाला। यहाँ ये दोनों ये बातें लगे हुए हैं। नहीं मतलब क्लब में तो किसी को नहीं ये पता ना कि इन दोनों के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है, तो ये लोग तो यही कह रहे होंगे ना। इस सीन में जब वरुण भैया के घर में गेस्ट आए हैं, तो ये हनी भी साइड से अंदर घुसा है और मोनिका सिर्फ दो बोरियां लेकर आ रही है, पर जैसे ये ट्रे हनी को देती है तो इस प्लेट में तो इतनी ज्यादा बोरियां आ जाती है जबकि पहले सिर्फ दो ही थी। जो ऊपर अपने फ्लैट पर बैठ के दीपू को देख रहा है, तो ये चिरकुट दीप्ति के साथ से जा रहा है, पर अभी ये दीप्ति के बस इतना सा आगे गया है और पीछे से हनी आ भी गया। नहीं मतलब हनी ने क्या सीधा ही टेरेस से जंप लगा दी, जो इतना ऊपर से इतनी जल्दी आ गया। नहीं मतलब यार, अब इसी सीन को देखो और पीछे बैकग्राउंड को देखो और आप इमेजिन करो कि इनका फ्लैट कितना ऊपर था और उतने ऊपर फ्लैट से इतनी जल्दी नीचे आ गया। बट हाउ टू एक्सप्लेन अस प्लीज। इसी में प्रीति मोनिका इस सीढ़ी से पीछे की तरफ गिरती है और वरुण साइड पर खड़ा हुआ है, और जब कैमरा इस साइड से आता है तो ये तो गिरी वरुण की गोदी में रही है, मतलब साइड पर गिर रही है। और इसके राज निकल जा। तो चलो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसी के बीच का दो पार्ट आपको दिखाऊंगा, जिसमें एक में आवाज होगी और एक में बिल्कुल नील आवाज होगी, और उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। तो अब मेरे को ना एकदम सीरियसली एकदम सीधा सीधा बताना, आप ये दोनों पार्ट देखने के बाद क्या गेस भी कर पाए कि ये कांड इन दोनों में से किया किसने था? मतलब भाई, अपन जब ये काम कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा हम अपने आप ही उठ जाते हैं, उठना नहीं पड़ता, हम अपने आप ही उठ जाते हैं, उसको जाने की जगह देनी पड़ती है, मतलब क्योंकि वो एकदम रॉकेट की स्पीड से निकलता है। मतलब भाई, अपने को थोड़ा सा उठना पड़ता ही है। और चलो ठीक है, हम बैठे हैं ग्रुप में, हम नहीं उठना चाह रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा फेस में एक्सप्रेशन आते ना, थोड़ा फेस में थोड़ा चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा कुछ तो होता है, लेकिन यहाँ पे कियारा का फेस बिल्कुल ऐसा था कि पता ही नहीं चला कुछ हो भी गया। और मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं करता, मेरे पास एक प्रूफ भी है, मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। पर एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, जब भी कभी आपने बैठे बैठे ये करना हो ना, थोड़ा सा आपको उठना जरूर पड़ता है। थोड़ा आगे आ जाके। तो आपने जैसा कि देखा, श्री श्री कपिल शर्मा ने ये कह दिया और इसी के साथ मैंने प्रूफ कर दिया, और साथ में अनन्या पांडे ने भी हामी भरी है वहां से। मतलब होता है यार, लेकिन यहाँ पे लगा ही नहीं बिल्कुल कि कियारा ने किया है। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतनी देर से, लेकिन भाई मैं बहुत मेहनत किया हूँ इस पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब बनता है बनता है। अभी करीना मैम के बगल में यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल ये कहाँ से प्रकट हो गया पता नहीं। ये दूल्हे के आगे बैठ के अक्षय पाजी क्या कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब देख रहे हो, अक्षय पाजी यहाँ से इतना भयानक नीचे आ गए, और ऐसा लग रहा था मेरे को कि बस अब गिर ही जाएंगे, क्योंकि उधर से कोई पैर पकड़ा हुआ तो है नहीं, लेकिन इतना नीचे आने के बाद भाई से फिर ऊपर चले जाते हैं, उधर इतना नीचे आ जाते हैं, फिर भाई से फिर ऊपर चले जाते हैं। मतलब चल क्या रहा है भाई।
तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में मैं 10,000 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। 10,000 ही सही यार, बस कंप्लीट कर देना कुछ भी करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए, प्लस बेल आइकन भी दबा देना ताकि भाई नोटिफिकेशन तो आए। तो अभी डॉक्टर साहब के हाथों में नो अक्की पाजी यहाँ से बैठ के बैठ के क्या क्या बोल रहा हूँ, मगर करीना मैम आगे तो देख पीछे तो देख ही नहीं रही है। अरे यार।